ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का हमारा अध्याय है एमएस एक्सेल 2003। इसमें सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे एमएस एक्सेल का परिचय, साथ ही सीखेंगे एमएस एक्सेल स्टार्ट करना और जानेंगे रोज, कॉलम्स, वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम हमारे डेटा को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। इसके द्वारा हम हमारे डेटा को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, चार्ट का उपयोग कर सकते हैं तथा कैलकुलेशन से संबंधित कार्य बहुत ही आसानी और शीघ्रता के साथ कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं एमएस एक्सेल 2003 को स्टार्ट करना। स्टार्ट पर जाएं, ऑल प्रोग्राम्स खोलें और यहाँ पर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सब मेन्यू में आपको यहाँ मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2003। इस पर क्लिक करें। ये देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो जो आपके सामने खुली हुई है, जिसको हम नॉर्मली इसमें वर्कबुक कहते हैं। हर वर्कबुक के साथ आपको 3 वर्कशीट्स मिलती हैं काम करने के लिए। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर है टाइटल बार, उसके नीचे ये है मेन्यू बार जिसमें आपको फाइलिंग, एडिटिंग, व्यूइंग इन सब के ऑप्शंस मिलते हैं। उसके नीचे है स्टैंडर्ड टूल बार और उसके नीचे है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो यहाँ पर आपको A1 लिखा हुआ दिख रहा है, ये है नेम बॉक्स। जहाँ भी आप क्लिक करेंगे इसमें, ये देखिए जो ये खड़ी लाइनें हैं ये हैं कॉलम्स, ये कॉलम्स कहलाती हैं और ये ऊपर यहाँ इन कॉलम्स के नाम दिए हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। और ये जो आड़ी लाइनें खिंची हुई हैं ये कहलाती हैं रोज। इनके लिए कितनी रोज हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर दिए हुए हैं। अब जिस भी जगह आप क्लिक करेंगे ये जो नेम बॉक्स है वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गया B2, इसका मतलब है बी कॉलम की सेकेंड रो। अगर आपने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया D5, इसका मतलब है D कॉलम की फिफ्थ रो। तो जहाँ भी आप क्लिक करेंगे नेम बॉक्स में उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर जो आपको सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है ये है फॉर्मूला बार। आप नीचे कोई भी फॉर्मूला अगर टाइप करते हैं तो वो यहाँ पर फॉर्मूला बार में आपको नज़र आ जाएगा। अगर हम इसको पूरे हमारे स्क्रीन पर देखना चाहते हैं इस वर्कशीट को, तो ये जो है ये पार्ट ये कहलाता है टास्क पैन। टास्क पैन में भी आपको अगर सीधे कोई फाइल खोलना हो तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिलता है और आप यहाँ से भी सीधे फाइल्स को खोल सकते हैं। ये मोर का जो ऑप्शन मिलता है इसमें और भी जो फाइल्स होंगी वो खुल सकती हैं। और अगर आपको ये नहीं चाहिए और पूरे स्क्रीन पर आप इस वर्कशीट को चाहते हैं तो ये यहाँ से इसे बंद कर दें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर वर्कबुक में आपको 3 वर्कशीट्स मिलती हैं, ये पहली वर्कशीट आप यहाँ देख पा रहे हैं। और हर वर्कशीट में आपको ये जो कॉलम्स हैं ये 256 कॉलम्स होते हैं। ये देखिए यहाँ A से शुरू हुआ है और ये पूरा XYZ तक जाने के बाद ये इस तरह से IV तक आता है। इस तरह से ये होते हैं 256। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो रोज आपको दिख रही हैं ये होती हैं 65,536 रोज। जिस भी वर्कशीट में आपको काम करना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस समय ये वर्कशीट 1 ओपन है। अगर सेकंड में आपको काम करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, थर्ड में काम करना है तो इसे सिलेक्ट कर लें। इधर आपको मिलता है ये स्क्रोल बार। पेज को अगर आपको लेफ्ट टू राइट ले जाना है तो आप ये नीचे से इसे लेफ्ट से राइट ले जा सकते हैं और यहाँ पर ऊपर नीचे करके आप इसे पेज को ऊपर या नीचे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर नीचे ड्राइंग टूल बार आपको मिलेगा, जरूरत पड़ने पर जिसका उपयोग आप कर पाएंगे। और सबसे नीचे यहाँ पर ये है स्टेटस बार। आज का हमारा अध्याय था एमएस एक्सेल 2003, जिसमें हमने जाना एमएस एक्सेल 2003 के बारे में, साथ ही सीखा एमएस एक्सेल स्टार्ट करना और परिचय प्राप्त किया रोज़, कॉलम्स, वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में।